गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। इससे पहले आप लोगों को काजल मैम पढ़ाती थी, आज से मानसी मैम पढ़ाएंगी। बहुत समय पहले की बात है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े धर्मात्मा रहते थे। उनका नाम गुरु रामदास था। छत्रपति शिवाजी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। देश के अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुजी अपने सभी शिष्यों से प्रेम करते थे। फिर भी एक दिन उन्होंने यह सोचा कि पता किया जाए कि उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन सा है। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे अपने आसन पर बैठकर सहसा जोर जोर से कराहने लगे। उनके कराहने की आवाज़ सुनकर सभी शिष्य दौड़े दौड़े उनके पास आए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी क्या बात है, आप इस तरह क्यों कराह रहे हैं? गुरुजी ने उन्हें सांकेतिक भाषा में चले जाने को कहा। सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे कि आखिर आज गुरुजी को क्या हो गया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी के व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों है। गुरुजी कृपा करके आप अपने कष्ट के बारे में हमें बताइए। हाँ हाँ गुरुवर, हम कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत विलंब हो चुका है, गुरुजी ने कराहते हुए कहा। फिर भी आप हमें बताने की कृपा करें, शिष्यों ने फिर आग्रह किया। तो सुनो, कुछ दिन पहले मेरे पैर में एक फोड़ा निकला था। देखने में लगता था कि यह साधारण उपचार से ठीक हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब वही फोड़ा पीड़ा पहुँचा रहा है। गुरुजी बोले, आप चिंतित ना हो गुरुजी, पास के गाँव में एक वैद्य रहते हैं, हम उन्हें अभी बुलाकर लाते हैं। उनकी चिकित्सा से आपका फोड़ा अवश्य ठीक हो जाएगा। पुत्र, मैंने भी उन्हीं वैद्य को बुलाया था, उन्होंने ही मुझे बताया कि फोड़ा अंदर से पक गया है और इससे विष का रिसाव हो रहा है। क्या वैद्य जी ने इसका उपचार नहीं बताया, एक शिष्य ने पूछा। बताया तो है एक उपचार, परंतु, गुरुजी ने हिचकिचाते हुए कहा। परंतु क्या गुरुजी, हमें बताइए तो सही, दूसरा शिष्य बोला। पुत्र, वह उपचार ही ऐसा है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, गुरुजी बोले। शिष्यों से रहा न गया, वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने आग्रह किया, गुरुदेव आपका जीवन अब हमें अपने प्राणों से अधिक प्रिय है, हम आपके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं, आप बताइए तो सही। जब तुम लोग इतना हट कर रहे हो तो सुनो, वैद्य जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मुख से इस फोड़े का विष चूस ले तो मेरे प्राण बच सकते हैं, किंतु फोड़ा चूसने वाला व्यक्ति तुरंत परलोक सिधार जाएगा। गुरु जी की बात सुनकर सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ शिष्य तो वहाँ से 9-11 हो गए। गुरु जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि उपचार बहुत कठिन है, इसी कारण मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था। कोई बात नहीं, दूसरे का प्राण लेने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण का त्याग दूं। उन्हीं शिष्य में से एक का नाम था कल्याण। उससे गुरुजी की पीड़ा सहन नहीं हुई। वह गुरुजी से बोला, गुरुदेव मैं आपके फोड़े का विष चूसूंगा, मेरे जैसे शिष्य तो सैकड़ों हैं पर आप जैसा गुरु बार बार जन्म नहीं लेता। आपकी प्राण रक्षा के लिए यदि मेरे प्राण चले जाएं तो यह मेरे लिए गौरव की बात होगी। गुरुजी ने कल्याण को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर गुरुजी तैयार हो गए। उन्होंने थोड़ी पट्टी हटाई। कल्याण ने विष चूसना शुरू कर दिया। विष का स्वाद कैसा है पुत्र, गुरुजी ने पूछा। बहुत मीठा है गुरुदेव, कल्याण ने उत्तर दिया। वहाँ बाकी बच्चे शिष्य कल्याण को आश्चर्य से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि विष के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में कल्याण की मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी ने अंत में सारी पट्टी खोल दी। फोड़े के स्थान पर पका हुआ आम बंधा हुआ था। सभी शिष्य सिर झुकाए खड़े थे। गुरु रामदास को कल्याण पर गर्व हो रहा था। गुरुजी द्वारा ली गई परीक्षा द्वारा हमें ये पता चलता है कि माता पिता के पश्चात गुरु की ही स्थान है। गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ही हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। संत कबीर ने कहा है कि अगर भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो सर्वप्रथम गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। उन्होंने गुरु को भगवान से बड़ा कहा है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताता है।
थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग इसे घर पर रीडिंग करिएगा और इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे।